शहीद आलम साहब जो है आपको पता है पाकिस्तान के बेहतरीन टीम ऑपरेटर हैं और पाकिस्तान के जितने भी बड़े चैनल्स हैं उनके साथ इन्होंने काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस वक्त जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के एडवर्टाइजमेंट बन रही हैं, इश्तहारात बनते हैं, जो मूवीज़ बन रही है हमारी पाकिस्तान में, मुख्तलिफ या ड्रामे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर उसमें जिप ऑपरेटर के जितने भी शॉट होते हैं जो जिप से लिए जाते हैं वो ज़्यादातर जो है वो नवीद आलम साहब के होते हैं। तो हमारे लिए खुशनसीबी है कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, और सलीम अब्बासी साहब जो आपके टीचर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके रेफरेंस से आज नवीद आलम साहब जो हैं वो आपके लिए मौजूद हैं। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूँगा नवीद आलम साहब को कि वो आएँ और आगे चल के वो आपको कम्प्लीटली जिप ऑपरेटर की ट्रेनिंग जो है वो दें। जो अच्छा डायरेक्टर होगा ना, प्रोड्यूसर, वो ऊपर रह जाएगा और जो फारे होंगे वो निकल जाएगा। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, ये काम आएगा। मैंने लेबर की तरह अपना काम किया, अपने जिप को खुद उठाता था। काम में कोई वो नहीं है, अपने आप को नीचे नहीं समझना, पैसा फोकस नहीं रखना, काम फोकस है। उसमें हम अपना इंटरेस्ट ले देते हैं, जाहिर करते थे यार ये शॉट लिया जाए तो कैसा रहेगा, शॉट यहाँ पहले बनाया करो। ये नहीं कि आपने मूव कर ली जिप लेकिन आपको ये नहीं पता कि शॉट मुझे लेना क्या था, पहले यहाँ बनाओ, डिज़ाइन कर लो, फिर उसके बाद मूव करो। मैं नहीं पता था कि इस एड के पीछे किसका हाथ है और वो आज मालूम हुआ कि नवीद आलम जैसे बंदों का हाथ है। आपका काम इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको कभी वो बुरा भला कुछ ना कहे। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पास सारे कैमरे हैं, लेंसेज की आपकी नॉलेज है, कैमरे की नॉलेज है, लाइट्स की नॉलेज है, इक्विपमेंट्स ग्रिप्स की है, ये सब की नॉलेज है। पहली दफ़ा देखा है कि यहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, इवन के जिप भी है, कैमरा भी है। बाकी अदर देन दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर मेरे ख्याल में स्टूडेंट से कहा जाता है कि कैमरा आप खुद लेकर आइए। मिट्टी का मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर महदूद किया, एक बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए। आपके लिए एजाज की बात है कि ये आपके दरमियान मौजूद हैं, तो इनके लिए आप क्लैपिंग करें, हम इनके एहसान नहीं भूलेंगे।